नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़े मूर्ख बनने जा रहे हो आप, आखिर कब तक आप यूं ही मूर्ख बनते रहेंगे? जी दोस्तों, आज की इस वीडियो को एकदम अकेले में देखें, आज की सच्चाई आपका होश उड़ा देगा। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसलिए दोस्तों, हम आप शुरू से बस यही निवेदन करेंगे कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही आप मिस ना करें, बिल्कुल ही बीच में स्किप ना करिएगा और दोस्तों इसे पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। क्यों दोस्तों, मैं आप सभी को बता दें कि इस वीडियो का निर्माण आप सभी के लिए हमारे महत्वपूर्ण टीम के द्वारा बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद निर्मित किया गया है, जो कि दोस्तों हर एक पॉइंट आप सभी के जुनकाल के लिए सटीक होंगे, जिन्हें अगर आप सुन लेंगे तो दोस्तों आपकी जुनकाल की परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, इस बात की गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय भाव से जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महाकाल का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल के आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों यह बात तो सच है कि एक व्यक्ति के जीवन में किसी महिला का साथ होने से वह व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है और एक सफल इंसान बनता है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी सच है कि एक महिला ही किसी व्यक्ति के जीवन में दुखों का भी कारण बनता है। जी दोस्तों, हमेशा एक गलत महिला की वजह से व्यक्ति जीवन में बर्बादी, दुख और असफलता का मुंह देखता है। जी दोस्तों, ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिससे आपकी राशि के लोगों को दूरी बनानी है, यह हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपसे अनुरोध है कि दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे अंत तक नहीं देखेंगे तो दोस्तों आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसी के साथ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि दोस्तों और आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों आप लोगों ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, आप लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं। दोस्तों, आप लोग कभी भी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करने की तो दूर की बात है। जी दोस्तों आपने हमेशा से दूसरों की खुशी के बारे में सोचा है। आप लोग ऐसा हैं कि पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचते हैं, फिर अपनी खुशी को त्याग देते हैं। और दोस्तों, आपका यही व्यवहार आपको दूसरों से अलग बनाता है। जी दोस्तों, एक बात आप में और देखी गई है कि जब भी आप ज़्यादा दुखी होते हैं, उदास होते हैं या फिर किसी बात को लेकर मायूस होते हैं तो दोस्तों जल्दी आप अपने दुखों का कारण किसी को नहीं बताते और उस दुख को आप अंदर ही अंदर सहते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने ही आपको कई बार दुख पहुंचाते हैं, यानी कि दोस्तों जो आपके करीबी लोग होते हैं वही आपके जुनकाल में अधिक आपको कष्ट देते हैं। और दोस्तों, ऐसा कई बार आपके करीबी महिला होती है। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपने बहुत कुछ सह लिया है, बहुत कुछ आपने अपने ज़िंदगी में सीख लिया है और दोस्तों सहन करने की भी कोई हद होती है, कोई सीमा होती है। आप बताएं मुझे कमेंट में, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? यदि आप भी अपने जुनकाल में यह सब चीज़ों को सह रहे हैं तो दोस्तों हमें कमेंट में लिखकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं। जी दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अब जो भी व्यक्ति आपके साथ तमीज से बात ना करे, जो भी आपको इज्जत ना दे, जो लोग आपको कोई कदर ना करे, दोस्तों ऐसे लोगों से आपको दूरी बनानी है, जो लोग आपको मान सम्मान नहीं देते, तो दोस्तों ऐसे में इन लोगों से आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको इनसे दूरी बना लेनी है। और अगर हो सके तो दोस्तों इनसे अपना रिश्ता भी आप खत्म कर दें, रिश्ता आप इनसे तोड़ लें। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें महिलाओं की तो दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र और चाणक्य नीति के अनुसार खासकर ऐसी महिलाओं से दूरी बनानी चाहिए जो हमेशा कंप्लेन करती है, शिकायत करती रहे,
जी दोस्तों, भले ही आपसे उन्हें सब कुछ मिल रहा है, आप जितना भी समर्थ हैं आप उन्हें दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी सबसे बुराइयां करती रहे, आपके और आपके घर वालों की दुनिया से बुराइयां करती रहे, ऐसी औरतों से आपको दूरी बनानी चाहिए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ ऐसी महिलाएं, ऐसी औरत जो हमेशा आप पर एहसान जताती रहे, जो हमेशा आपसे कहे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, एहसान किया, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो और आज जो भी तुम हो वह मेरी वजह से हो, तुमने मेरे लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों, ऐसी औरत से, ऐसी महिलाओं से भी आपको दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी महिलाएं से, ऐसी औरतों से कभी भी जीवन में आप दिल से खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दोस्तों यह बात बात पर आप पर एहसान जताकर आपको शर्मिंदा करेंगे। ऐसी औरतों से आप जितना हो सके दूर रहें। अगली किस्म की जो औरतें हैं जिनसे आपको दूरी बनानी है दोस्तों, वह है हमेशा पास्ट को याद करें, अपने प्रेजेंट को कोसती रहे। जी दोस्तों, यानी कि दोस्तों हरदम यह कहती रहे कि मैं पहले लाख गुना बेहतर थी, जब आपके साथ रहना शुरू कर दी तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया, और हमेशा कहती हो जो मैं मायके में इससे ज़्यादा थी, मायके में मैं खुश रह रही थी और तुम्हारे साथ यानी आपके साथ खुशी और सुख वाला जीवन नहीं बिता पा रही हूँ। यह बार बार जो कहे, यह बार बार जो भी औरत आपको ऐसी बात कहकर ताने देते हो, इनसे भी आपको दूरी बनानी चाहिए। दोस्तों, अगली किस्म की जो महिलाएं हैं, जो औरत है जिससे आपको दूरी बनानी चाहिए दोस्तों, वह है हमेशा आपकी तुलना किसी दूसरे मर्द से, किसी दूसरे आदमी से हरदम करती रहे, हरदम करती रहे, कहती रहे। ऐसी औरत यानी कि दोस्तों, जो आपकी अच्छाइयों को ना देखकर किसी दूसरे मर्दों की अच्छाइयों को, किसी दूसरे आदमी की अच्छाइयों को देखकर उनकी पेशों की तुलना आपसे गिनाए, और हरदम आपको यह गिनाए कि आप उनसे नीचे हैं, यानी कि जो औरत आपकी कमियां याद दिलाए और आपको आपकी कमियां गिनाए। तो दोस्तों, ऐसी औरतों से भी आपको दूरी बना लेनी चाहिए। दोस्तों, अगली किस्म की जो औरतें हैं जिनसे आपको दूरी बनानी चाहिए, वह है जो फरमाइशें करती हो, जो नेचर में बहुत लालची हो और जो दूसरे को देखकर उसी चीज़ों का फरमाइश आपसे करते हो, भले ही दोस्तों उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत ना हो, फिर भी दोस्तों दूसरे की देखा देखी में वह उन चीज़ों की फरमाइश आपसे करते हो, बेवजह के पैसे आपसे खर्च करवाती रहे, पैसे की अहमियत को ना समझे, ऐसी लड़कियों से भी आपको दूरी बनाकर चलनी चाहिए। दोस्तों, ऐसी महिलाएँ आपको कंगाल भी कर सकती है, और ऐसी औरतें के साथ आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जी दोस्तों, कभी भी आप सफल जिंदगी व्यतीत नहीं कर पाएंगे। जी दोस्तों, इसी को बाद दोस्तों अगली किस्म की जो औरत है जिससे आपको दूरी बनाकर चलनी है, ऐसी महिलाएं जो अपने आगे किसी का भी ख्याल नहीं रखती, इनको अपनी सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं दिखता, यानी कि दोस्तों इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है, हरदम यह सजने संवरने में समय लगा देती है, ना ही इन्हें आपकी कोई परवाह है और ना ही आपके परिवार की, और दोस्तों इन्हें सिर्फ खुद से मतलब होती है। ऐसी औरतों से भी आप दूरी बना लें, कि दोस्तों ऐसी औरत अगर आपकी जुनकाल में रहेंगी तो दोस्तों कभी भी आप खुशी का जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। जी दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऐसी औरत के साथ रहता है वो अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकता। ऐसी औरत केवल अपने आप में मगन रहती है और दुनिया में अपने अलावा कोई भी नहीं दिखता। दोस्तों, अगली किस्म की महिलाएं और औरत जिनसे आपको दूरी बनानी है, जो मुंह से बहुत तेज होती है, जो आपको हर वक्त ताने दे, जो आपसे हर वक्त लड़ाई झगड़ा करे और जो आपका रिस्पेक्ट ना करे, आपका मान सम्मान ना करे, सिर्फ और सिर्फ आपकी कमियां गिनाए, और दोस्तों सबसे गाली गलौज में बात करे। जी दोस्तों, जो अपने से बड़ों को गाली गलौज में बात करे, ऐसी औरत से भी आपको दूरी बनाकर रखनी है, और दोस्तों यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों, जब तक आप ऐसे लोगों से रिश्ता रखेंगे तब तक आपकी जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आप हमेशा इन्हीं में उलझे रहेंगे। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या कोई
इनसे रिश्ता रखकर कभी जीवन में खुश रह पाएगा? जी नहीं दोस्तों, इनसे रिश्ता रखकर जीवन में आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इनसे आपको कोई भी लाभ नहीं पहुंचेगा, बल्कि आपको इन लोगों के साथ रिश्ता रखकर सिर्फ आपको हानि होगी। क्यों दोस्तों, यह लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता नहीं चाहते, बल्कि यह लोग ऐसा चाहते हैं कि आपका काम बिगड़ जाए और आपको दुख पहुंचे। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि दोस्तों, थोड़ी बहुत तो कहा सुनी हर रिश्तों में होती रहती है, चलती रहती है, हर परिवार का यह एक हिस्सा होता है। लेकिन दोस्तों आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपके काम में हर वक्त बाधा डालती है। यह लोग वह हैं जो जानते हैं कि आपको इनके बातों से परेशानी होती है, लेकिन दोस्तों फिर भी यह उन्हीं सभी बातों को बोलकर आपको और भी परेशान करती हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं। दोस्तों यह लोग ऐसे होते हैं कि प्रतिदिन इनकी भावना आपके प्रति रखते हैं और आपका कभी भी अच्छा नहीं चाहते। दोस्तों ऐसे लोगों से आप जितना हो सके दूरी बनाकर रखें तो दोस्तों आपके लिए बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि अगर सामने वाले से रिश्ता तोड़ना आपके लिए असंभव लग रहा है, अगर वह बार बार आपको बेइज्जत कर रहा है, आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा है और यदि उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो दोस्तों ऐसे में आप लोग उनसे बातचीत करना पूरी तरह बंद कर दें। दोस्तों ऐसे उन्हें भी एहसास होगा कि उनकी बातें आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, आपको दिल से बुरा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, वह आपसे सच्चा प्यार करती है तो आपका दिल दुखाना बंद कर देंगे। और साथ दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे लोगों से मुक्ति पाने के लिए आपको हनुमान मंदिर में भी शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी को अपने दुखों को सुनाना चाहिए, सुंदर कांड का नित्य पाठ करना चाहिए, साथ ही हनुमान चालीसा का भी आपको पाठ करना चाहिए। दोस्तों ये सब चीज है, ये मन को शांति दिलाने के कारक होते हैं। साथ दोस्तों एक खास मंत्र, जब आप बहुत ही ज़्यादा दुखद परिस्थिति में हो तब दोस्तों इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा, ओम हनु हनु हनुमते नमः। दोस्तों इस मंत्र का जाप आप तभी करें जब आप सबसे ज़्यादा संकट में हो। और दोस्तों और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।